सिलेबस की बजाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस, माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम हाइड्रोकार्बन का 7th वाला लेक्चर करने वाले हैं, कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करने की, और अगर हो गया तो ठीक है ना, वरना नेक्स्ट चैप्टर में पूरा कर देंगे ना। अभी अभी जो बोल रहा था कि सर आप अचानक से शुरू हो जाते हो, है ना। तभी मैंने माइक ऑफ कर दिया, मुझे याद रहता है, ठीक है, फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बेंजीन, आज हम हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो उससे पहले हमने रीकैप में क्या किया था, कौन मुझे बताने वाला है, व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस रीकैप, क्लास में क्या किया था, याद है किसी को? एल्काइन की रिएक्शन की थी, एल्काइन में किसी को कोई रिएक्शन याद है, प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन, कुछ भी याद नहीं है, भगत जनों साइलेंस आ गया, सब साइलेंस फैल गया ना। क्लोरोफॉर्म से, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। और आइडोफॉर्म, हाँ क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म दोनों एक से हो जाएगी। कैल्शियम कार्बाइड था, सुनिए, कैल्शियम कार्बाइड भी था, डाई जेमिनल डाई हैलाइड से भी था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. जेमिनल डाइहैलाइड से, कैल्शियम कार्बाइड से, सीधा पानी डालो कैल्शियम कार्बाइड में तो सबसे आसान है, एसिटाइलिन बन जाता है भाई। और जेमिनल डाइहैलाइड में बोला था कि NaNO2 डाल दो, सीधा दो बार रिएक्शन हो जाएगी, दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। विसिनल डाइहैलाइड बना सकते हो, विसिनल डाइहैलाइड में भी NaNO2 डाल दो डायरेक्ट, हालांकि अल्कोहलिक KOH से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रेपरेशन की थी, फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन आई थी, रिएक्शन में कुछ नहीं है, वही ब्रोमीन वापस जोड़ना है, हैलोजन वापस जोड़ना है ना, वाटर को जोड़ोगे तो हम एल्डिहाइड बनाया था हमने, है ना। और कीटो इनोल फॉर्म की थी, याद है सबको, कीटो इनोल फॉर्म, यस सर, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज था। फिर पॉलीमराइजेशन किया था, तो हमने पॉलीथीन बनाना सीखा था, है ना, ब्रोमीन यूज होता है पॉलीथीन, है ना, और बनाना पॉलीप्रोपाइलीन बनाना सीखा था, है ना, तो वो चीजें हमने लर्न की थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को करने वाले हैं, बेंजीन। तो भाई बेंजीन की रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, ये वाली रिएक्शन याद है, तीन हम मॉलिक्यूल लेते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर डालते हैं तो बेंजीन बन जाता है, याद है भाई, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, इथाइन्स की रिएक्शंस ऑफ इथाइन्स में किया था, लास्ट ही लेक्चर है यार, है ना, रिएक्शंस ऑफ इथाइन में किया था, उसे बेंजीन बनती है, और एक मेसिटाइलिन भी बनती है, सेम रिएक्शन है, कोई फर्क है क्या इनमें, नथिंग, यस सर, है ना, क्लियर है, ठीक है, तो सारे सेम टू सेम है बेटा, नथिंग स्पेशल। तो भाई ये रिएक्शन हम पहले से कर चुके हैं, ये रिएक्शन पहले से कर चुके हैं, मेसिटाइलिन में क्या होता है, बस वो तीन ऐसे मॉलिक्यूल लेने जिनके साथ CH3 लगाओ, H की जगह पर, इसके साथ एसिटाइलिन के साथ एक एच उड़ा के CH3 लगा दो, ऐसे से तीन मॉलिक्यूल लेंगे तो तीन CH3 बेंजीन के साथ जुड़ जाएंगे। और करना क्या है, रेड आयरन, रेड हॉट ट्यूब, और ये 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये मैंने मेंशन किया हुआ था, 600 डिग्री सेल्सियस, याद है सबको, लिख कर देखोगे तो याद रहेंगे, मैं फिर से बोलता हूँ, हमेशा लिख कर देखिए इन रिएक्शन को, पीछे हो चुकी है रिएक्शन तो शक्ल देखते ही याद आनी चाहिए कि हाँ हमें याद है। नेक्स्ट देखो, डीकार्बोजिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, सोडा लाइम रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम सोडा लाइम रिएक्शन है, ठीक है, सोडा लाइम रिएक्शन, अभी ना जो ये रिएक्शन है, साफ बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, और मैं अभी दो स्लाइड पार करने के बाद फिर से आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि कौन सी रिएक्शन मैंने करवाई, तो लिख लो नोटबुक पे, अगर नकल लगानी है तो, है ना, हम तो स्क्रीन शॉट खींचेंगे, लिखेंगे थोड़ा है ना, डिजिटल, अरे लिखोगे तो याद हो जाएगी मेरे बच्चों, याद हो जाएगी बेटा, है ना, तो याद करवाना हमारा मेन मकसद है, आप लोगों को रिवीजन का मकसद भी याद करवाना ही है, ठीक है, ताकि याद रहे, हम लोग बचपने में ऐसा करते हैं कि हम इस टाइम मेहनत नहीं करते हैं, बाद में हमें याद आती हैं चीजें बेटा, है ना, हमारे पेरेंट्स हमें क्यों बोलते हैं कि पढ़ लो, पढ़ने से डेफिनेटली हम एक कदम ऊपर बढ़ जाएंगे, बाकी सब देखो ऊपर वाला देता है, है ना, बट हम अपनी कोशिश तो करें। नेक्स्ट देखिए, सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम क्या था भाई, याद है, CaO और NaOH था, यस यस सर, इसी को सोडा लाइम बोलते हैं, लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं, और मैंने बोला था कि फर्श जब साफ करते हैं, पत्थर को साफ करना है तो एसिड से नहीं करते हैं, अगर कोई दाग लगा है पत्थर पर तो सोडा लाइम से करते हैं, यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस सर, याद आई कहानी, कहानी बताई,
तो देखो इसमें क्या लगा हुआ है, सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते थे तो वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वहां से हट जाता है, एल्केन बन जाता था। यहाँ बेंजीन के ऊपर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, एच को हटाकर सोडियम से जोड़ दिया, क्यों, NaOH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा तो Na पॉजिटिव इसके साथ चिपक जाएगा, H जो है वो OH के साथ चला जाएगा तो वाटर बन जाएगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए सोडियम यहाँ चिपक जाएगा। आप इसे यहाँ दिखा सकते हैं हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन OH NaOH में बेस होता है और Na पॉजिटिव यहाँ चिपक जाएगा, तो इस तरह से ये Na यहाँ लग जाएगा। तो Na को लगाना या H को लगाना एक सी ही बात है। यस क्लियर है बेटा? Yes. इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं सीधा यहाँ से CO2 उड़ा दो और वो Na के साथ लगेगी, Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 और प्लस बेंजीन बन जाएगी, मतलब बेंजीन पहले से थी, बस कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उड़ा दी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये इस तरह से सोडा लाइम गिव बेंजीन, तो सोडियम साल्ट बेंजोइक एसिड को बेंजीन देता। रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल के रिडक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, रेयरली यूज होती है, लेकिन जब कन्वर्जन हम करते हैं, आपको मैं कन्वर्जन करवाऊंगा तब आपको ये रिएक्शन बड़ा अच्छी लगेगी। क्या होता है, फिनोल अल्कोहल, फिनोल है मतलब अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, इसके ऊपर से OH को उड़ाना, यहाँ से OH को रिमूव करना, इट्स नॉट ए सिंपल टास्क, ठीक है, हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये सिंपल टास्क नहीं होता। तो फिनोल से बेंजीन को बनाना आसान काम नहीं है, इट्स नॉट ए सिंपल टास्क। तब ये एक ऐसी रिएक्शन है, जिंक को अगर गर्म कर देते हो, जिंक के साथ अगर इसे गर्म कर देते हो, जिंक मेटल है, जिंक के साथ गर्म करने पर बेंजीन, आपको बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड मिल जाएगी। यस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाऊं, मैं अभी पूछने वाला था प्रीवियस स्लाइड, देख लो ये रही, तीन तो रिएक्शन है टोटल, ठीक है हो गया, ठीक है अभी पूछने वाला हूँ, ध्यान रख लेना, हमने प्रेपरेशन कर लिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। हाँ भाई हो गई जल्दी? यस सर। ठीक है, अगर हो चुकी है प्रेपरेशन तो ये गई, लो भाई अब किसी कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा कुछ, सफेद सफेद सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना, बस सही है सही है, बस उसी से आपको अंदाजा लगाना, देखते हैं बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, कितना गहराई से देखते हो, बाज की नजर। रुको एक सेकेंड बताओ भाई कौन बताने वाला है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, तीन मेथड दे, रेज योर हैंड या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो फटाफट, किस किस चीज को जोड़कर क्या बन जाएगा, बनेगा तो बेंजीन, क्या क्या मिलाएं बेंजीन बनेगा, 1 2 3 भगवान की कृपा से मैंने सब लिख लिया था, हां हां बहुत बढ़िया, जल्दी आपके नाम याद आ जाते हैं ना। जल्दी बताइए, टाइप करना है लिखना है, पॉलीमराइजेशन था, किसका पॉलीमराइजेशन था, मेसिटालाइन तो बनता है बिल्कुल सही है, इथाइन, YNEEN नहीं है वो, इथाइन, ठीक है, इथाइन के तीन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, पॉलीमर बना सकते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, मतलब उसको किस चीज में डालते हैं जिसे पॉलीमर, रेड हॉट आयरन की ट्यूब में, है ना, लाल मतलब एक पाइप लो, पाइप लोहे की पाइप, उसके अंदर ये एसिटाइलिन गैस डाल दो और फिर उसको गर्म करो, बिल्कुल लाल गर्म, और उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि एसिटाइलिन गैस आपको पता ना ऑक्सीजन के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देती है, अगर उस पाइप के अंदर ऑक्सीजन डाल दी और एसिटाइलिन भी डाल दी क्या होगा, धमाका होगा, टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस, तो लोहा तो फट जाएगा, बिल्कुल फटेगा, 3000 डिग्री पे तो वैसे ही लोहा पिघल जाता है, तो सोच लेना, अच्छी चीज है ना। यस सर। एरोमेटिक एसिड से भी तो होता है बेंजीन का प्रिपरेशन, क्या बेटा, कुछ नहीं छोड़ो दूसरा मेथड बताइए, अभी दूसरा मेथड कौन बताएगा, सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन, तो क्या रिएजेंट यूज करते हैं उसके अंदर, मतलब हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सी बेंजीन के साथ COOH लगा हुआ है, तो सोडा लाइम जोड़ेंगे, NaOH और CO कैल्शियम ऑक्साइड जोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी Na2CO3 की फॉर्म में और बचेगा बेंजीन। तीसरा मेथड रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल की रिडक्शन, यस, उसमें से बेंजीन में से OH को हटाना मुश्किल होता है तो क्या डालेंगे, जिंक, ZnO, सर जिंक डाल दो, सर ZnO,
जिंक के साथ हीट कर दो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रेयरली ऐसा कर पाना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपको एक चीज बताता हूँ भाई, जिंक ऑक्साइड, आप लोगों ने खिलाड़ी देखे ना प्लेयर, वो सचिन तेंदुलकर होगा, वो सफेद सफेद ऐसे नोज के चारों तरफ लगा लेते हैं, यस सर, वो ये जिंक ही होता है, यही जिंक भाई साहब होता है। क्यों जिंक क्यों लगाते हैं? देखो इसके दो फायदे हैं, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एंटी वायरल प्रॉपर्टी रखता है, वायरल एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया और वायरस को मार डालता है सरफेस पर आके, ठीक है। अब से मुंह पे लगाऊंगा मैं। दूसरी चीज भाई, सात सात आठ आठ घंटे प्लेयर मैच खेलते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब उनको बाद में फोटो में भी तो खिंचवानी होती है ना, वो भी तो सेलिब्रिटी होते हैं, तो वो उनका टैन ना पड़ जाए शक्ल, इसलिए वो लोग ये लगा लेते हैं और बड़ी गोल वाली टोपी पहन लेते हैं जब धूप ज्यादा होती है, समझ गए। सर्दियों में तो ठीक है चलता है, लेकिन गर्मियों में वो ऐसा करते हैं, समझ में आया? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचत होती है ना, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, पसीना वगैरह आके बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं करता, जिससे पिंपल नहीं होते उन महाराजाओं को, मतलब सर टैनिंग भी नहीं होती उससे, टैनिंग भी नहीं होती, पिंपल भी नहीं होते। सर कहाँ पे मिलता है वैसे? केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, लगा के पाउडर ना लगाऊंगी। सर सोच रहा हूँ अपना ब्रांड खोलूं फिर तो। क्या बात है, वो सिर्फ प्लेयर ही खरीदेंगे और कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। नो सर, सर आपकी बातें सुन के ना आप तो सबको खरीदने की वो हो गई होगी एक्सपेक्टेशन। हाँ सही है। तो भाई सिंपल सी बात है, और बहुत सारी क्रीमें आती हैं खैर, लेकिन वो लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जिंक को देख के याद आ गया था, ठीक है, भावनाएं भड़क गई थी कि वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है, रिडक्शन ऑफ फिनोल, क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जिंक डस्ट के साथ करते हैं। यस सर। जिंक बहुत अच्छा होता है खाने में, आपको पता होगा ना, जिंक प्लेटेड बर्तन हम पहले खाया करते थे, बर्तन उस पर जिंक की लेयर चढ़ा देते थे गैल्वेनाइजेशन, है ना, और उन बर्तनों से जिंक खाते थे। तो जिनको कोरोना हुआ था, डॉक्टर उनको जिंक की गोलियां दिया करते थे, जिंक की मेडिसिन भी आती है जिसमें जिंक होता है, वो इम्यून पावर को बढ़ाता है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है जिंक के अंदर। गोल्ड और चांदी, सोना और चांदी में भी ये एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए लोग कहते थे कि सोने या चांदी के प्लेट में खाना चाहिए, प्लेटिनम उससे महंगा होता है, उसमें ना खा ले। इट्स नॉट अबाउट द कि महंगा है, नो, इट्स अबाउट कि उसकी प्रॉपर्टी, प्लेटिनम में खाओगे तो वो जहर का काम करेगा, वो जहरीला होता है हमारी बॉडी के लिए, इट्स नॉट गुड प्लेटिनम, बट गोल्ड और सिल्वर हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखते हैं। यस व्योम बेटा बोलो। सर जिंक को ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते ना तब भी? अब बेटा ज्यादा कहें मतलब क्या, कि जैसे बर्तन में खाना पका रहे हो, थोड़ा बहुत अंदर डिसॉल्व होता है, उसी बर्तन में खा रहे हो तो वो थोड़ा बहुत बर्तन के साथ अंदर जाता है। अब आप चम्मच भर के थोड़ा लोगे, है ना, वो हर चीज पॉइजनस है अगर आप ज्यादा अमाउंट में खाओगे तो। अब रोटी है, आप तीन या चार रोटी एक टाइम में खा लेते हो, सपोज मैं आपको कह दूं कि 10 खा लो बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल, वो खा नहीं पाओगे। अगर वो खा ली तो फिर क्या होगा? हाँ कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, सबकी कैपेसिटी अलग है, जिस 10 खाने वाले को 20 खिला दूंगा फिर, कहूंगा 20 खा दो, तो वो नहीं पॉसिबल ना। जतिन पूछ रहा है स्टील में भी कुछ होता है, देखो बेटा स्टील भी हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है, लेकिन इतना नहीं है जितना एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टील ठीक है बट इट इज स्टिल पॉइजनस, स्टील की बजाय पीतल के बर्तन यूज करते हो। सर जब मैरिज वगैरह होती है तो सिर्फ एल्यूमिनियम के में पकाते हैं क्या? एल्युमिनियम पकाते हैं, सॉरी, मतलब एल्युमिनियम के बर्तन में पकाते हैं खाना, पकाते हैं, वो सबसे गलत है, इट्स द मतलब मोस्ट पॉइजनस। गोड़ों में जो दर्द रहते हैं ना लेडीज को स्पेशली, मेल्स आर थोड़े से मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए उनका जेनेटिक्स थोड़ा मतलब हार्ड इन नेचर होते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं थोड़ी मेल्स की फीमेल्स के मुकाबले, तो इस वजह से उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आती, हालांकि उनको भी आ सकती है नो डाउट टू इट, लेकिन फीमेल्स को जो गोड़ों की प्रॉब्लम रहती है, घुटना नी, वो जो बुढ़ापे में आती है, तो वो यंग एज में नहीं आएगी, बुढ़ापे में आती है, उसकी वजह कहीं ना कहीं एल्युमिनियम है। उसके अलावा बता देता हूँ आप लोगों को, पता है पैरों में पहले ये साइंटिफिक है कि जो लेडीज हैं वो पैरों के अंदर यहाँ पर चांदी के रिंग पहनती थी, पता है? Yes, yes, हरियाणा साइड में भी है, हर जगह में हर स्टेट में आपको मिलेंगे ये क्या होता है, जो पीछे हमारी जो पीछे फाइबर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेंडन्स, जो पीछे पैर के पीछे जो होता है, इस जगह पर एक रस्सी सी होती है, पैर के पिछली साइड यहाँ एक रस्सी सी है, इस जगह पर, ये वाली जगह एक रस्सी सी होती है, आप उसको फील कर सकते हो, वो हड्डी नहीं है, पता है ना, एडी के पीछे होती है,
उसको दबा के, ये जो रिंग होता है जो पैर में डलता है वो उस रस्सी को दबा के थोड़ा टाइट करके फिर जो गोल्डस्मिथ है उसको बांधता है। इससे अगर आपके गोडों में पेन है, नीज में पेन है, कुछ लेडीज से उठा नहीं जाता, बहुत ज्यादा सीवियर पोजीशन, सीवियर कंडीशन आ चुकी है, बहुत खतरनाक, तो इसका इलाज भाई डॉक्टर करेगा, घुटना रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में है तो चांदी के इस तरह के आप कड़े पहन सकते हैं और वो ठीक हो जाएगा। सर अगर मतलब जैसे मान लेते कोई इंसान स्टार्टिंग से ये पहन रहा है, उसके दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तब भी पहन रहा, तो वो गुड है, गुड टू हेल्थ, गोडों के लिए बहुत अच्छा है। किसी नस को दबा रहे हैं, आपने प्रेशर थेरेपी सुनी है ना, वो पिन थेरेपी, प्रेशर थेरेपी, इन पॉइंट्स को दबाओ उससे असर मिलता है। 24 घंटे दबा रहे पर हो सकता है कुछ होता होगा। देखो ये चीज आपको मेडिकल में पढ़ाई जाएगी ना बेटा, यहाँ थोड़ा पढ़ाएंगे प्रेशर थेरेपी में, आप इसके ऊपर रिसर्च पेपर। नहीं सर, एक बार था मतलब कोई कहता है कि मिडिल फिंगर को मतलब दबाने से क्या होता है ना, सर दर्द कम होता है, ऐसा मैंने सुना था। उसका असर होता है, वो 5% असर करेगा, 10% करेगा। अब सारा दिन दबाओगे तो ठीक हो जाएगा, आप कहोगे सर वो तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, 10% को आप 100% मत मानिए, ठीक है। अब ये कड़ा पहनने का मतलब है कि ये 10% 24 घंटे असर रहेगा, तो भाई 10 दिन 20 दिन 6 महीने 2 साल लग सकते हैं इसको ठीक होने में। अगर किसी को हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो वो भी 6 महीने में जाएगी। अब यू नहीं कि आपने पहन लिया सही हो गया, बस हो गया, आई एम नॉट सेइंग दिस वन, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप लोग क्या मान लेते हो कि भाई ये इससे ये होगा तो 100% क्योर हो जाएगा, ये दिस इज नॉट 100% क्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट 20% अप्रोक्सीमेट, 80% वो रह सकता है, परसिस्ट कर सकता है। अगर आपको सीवियरली अंदर से प्रॉब्लम है, आपके घुटने पहले से प्रॉब्लम में है, तो उसका इलाज इतना नहीं कर पाएगा, बट इट विल गिव यू रिलैक्स, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे अब देखो हंसना जो है, हंसना एक गुड थेरेपी है, किस चीज की, पेन रिलीवर होता है हंसना, हंसने से पेन दर्द कम हो जाता है। तो अगर आप लोगों की उंगली कट जाए किसी की, तो मैं कहूंगी बेटा हंस हंस बेटा हंस, दर्द खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। सर रोना आएगा, हंसेगा थोड़ी सर, उस टाइम पे कंडीशन हो सकती है। जतिन पूछ रहा सर हाथों में पहनने से भी कुछ होता, देखो बेटा इतना नहीं पता मुझे, बट हाथों में पहनने से कुछ होता होगा, उसका मुझे साइंटिफिक रिसर्च नहीं पता। इसमें तो नस को दबाया जाता है, हाथों में नस नहीं दबती है, वो वैसे रहता है हाथों में, उसका क्या असर होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, जो चीज नहीं पता आई डोंट नो। सर जो आपने हाथ कटा हुआ एग्जांपल बोला ना, सर वो एक कंडीशन में काम आ सकता है, अगर सीवियर कट होगा और हमारे को कुछ डैमेज होता है, तो सर एक एडवांटेज हो जाएगा कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं ना, उनको जेब में ना थोड़ी 25% रेजिस्टेंस मिलती है, समझ लो। अरे बेटा अनमोल है ये, हाथ पैर, कहीं हाथ पैर कटवा के जेई की कट को नीचे करने के चक्कर में हैंडीकैप बन जाओ, गलत बात। CWS लगेगा सर, जेई वाले सुनिए सुनिए, जेई वाले ही करोड़पति नहीं है, ये जो है ना धीरू भाई की अंबानी के दो लड़के हैं, मुकेश अंबानी, ये दुनिया का सबसे नंबर वन बन जाता जब रुपए और डॉलर में थोड़ा अप डाउन आता है, समझ गए, और इसने जेई नहीं कर रखा, या IIT से पास आउट नहीं है, नॉर्मल पढ़ा हुआ है, नॉर्मल कॉलेजों में, गधा होगा नहीं, इंटेलिजेंट तो होगा, इंग्लैंड से बढ़के आया बंदा। चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई हमारी रिविजन होगी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। What about the physical property of benzene? Aromatic hydrocarbon are non-polar molecules. पहली बात, इन non-polar होते हैं। Polar का मतलब पता है ना? HCl, slightly negative, slightly positive. Polar, दो पोल बन गए, positive pole, negative pole, है ना? Yes. हम कई बार करते हैं। Non-polar होता है। And usually colorless, generally colorless होता है, हमेशा नहीं। Liquid या solid हो सकता है। Characteristic aroma, इनकी जो smell होती है वो characteristic होती है। और aroma का मतलब होता है good smell. ठीक है, अच्छी स्मेल, गुड स्मेल, ठीक है। अब गुड स्मेल क्या सच में एरोमेटिक कंपाउंड सारे के सारे अच्छी स्मेल वाले होते हैं? बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। शुरू में जब एरोमेटिक कंपाउंड ढूंढे गए थे, उस टाइम पे जो शुरू के दो चार मॉलिक्यूल हमें मिले ना एरोमेटिक, वो सब के सब अच्छी स्मेल थी उनकी, इसलिए इनका नाम रख दिया गुड स्मेल वाले, यानी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बाद में जितने भी मिले, और मोस्ट ऑफ द आज तक जितने नोन है, सब के सब घटिया स्मेल वाले थे। मतलब पहले 10 इनको अच्छे मिल गए, इन्होंने नाम अच्छा रख दिया, बाद में 90% जो थे सारे के सारे खराब निकले, लेकिन फिर भी इनका नाम फिर अच्छा ही रखा, समझ गए ना। यस सर, तो सड़े हुए आदमी का नाम ना गुड फ्रेग्रेंस रख दिया। ठीक है, तो भाई ये देखिए, ये हर जगह होता है, आप लोगों को भी पता होगा
कि भाई जे एक बार नाम रख दिया, एक बार टैग लग गया वो लग गया, इसलिए आईआईटी का टैग लग गया तो लग गया, बाद में भले वो बच्चा पढ़े ना पढ़े, सिर्फ पास हुआ हो पॉइंटों पे, लेकिन आईआईटी का टैग ही बहुत बड़ी वैल्यू है, इसीलिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, समझ गए ना। एक बार तो पढ़ो अच्छे से। तो भाई ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, और उसके अलावा हमने इसको अच्छे से कर रखा है वो आप लोगों को पता होगा, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं, इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लेन होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, अल्टरनेट में डबल बोन होना चाहिए, याद है सबको? और वो असली वाली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखो, नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू टॉयलेट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्लोथ, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ। नेफ्थलीन बॉल क्या होती है भाई? आप लोगों ने टॉयलेट के अंदर सफेद कलर के बॉल्स देखे होंगे, वो होती है नेफ्थलीन बॉल, और वो भी हाइड्रोकार्बन बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, दो तीन बेंजीन जुड़ी होती है उसमें, तीन बेंजीन जुड़ी होती है नेफ्थलीन बॉल में इकट्ठी एक दूसरे के साथ, दिखाएंगे आगे स्ट्रक्चर आएगा। और वो टॉयलेट में लगती है ताकि टॉयलेट की स्मेल खत्म कर सके, हवा में उड़ती रहती है, प्लस प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ, कपड़ों के अंदर उन्हें रखते हैं लोग, पता है? Yes, कपड़ों में yes, रखते हैं गोलियों को, रजाई में रखते हैं, क्योंकि कपड़ों में मोथ मोथ जैसे कुछ झिंगुर टाइप के छोटे छोटे, देखो ऐसी होती है वो मोथ, ऐसी ऐसे बहुत सारे उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, देखिए किसने ऐसा एनिमल, पैर कलर का नहीं होता, छोटे छोटे पैर होते कपड़ों में, सबने देखा होगा? नहीं देखा, कुछ बच्चे कुछ ने देखा है। ये मोथ रिपेलेंट बोलते हैं इनको, और ये जो है ये कपड़ों के अंदर ऐसे चलते रहते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं इनके, कई बार आपने दीवारों पे चलते हुए देखा होगा यार, घर में इतना साफ सुथरा घर तो नहीं होता किसी का भी, मुझे लगता है कोनों में मिल ही जाता है क्योंकि घरों में आजकल तो कॉकरोच भी कॉमन मिलते हैं सीवर की वजह से, तो ये तो मिलने चाहिए डेफिनेट, कहीं ना कहीं ये सीलन में पैदा होते हैं जहां पर सीलन हो, और ये कपड़े को खाते हैं, ठीक है, कपड़े में से स्मेल आना शुरू हो जाए उसमें उल्ली लग जाएगी, ठीक है, तो ये जो है ये इनको, इनसे बचाने के लिए कपड़ों को हम क्या करते हैं, ये नेफ्थलीन बॉल्स कपड़ों के अंदर रखते हैं। इसके अलावा आपने सिलिका जेल देखा होगा जो बूट में शूज में आती है, वो छोटी छोटी गोलियां सिलिका जेल होती है वो, है ना, अब वो किस लिए रखी थी, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है ताकि मॉइस्चर ना फैले, किसने, बूट में, वरना बूट में भी वो नेफ्थलीन बॉल रखने लग जाएंगे वो लोग, तो मॉइस्चर ना फैले, मॉइस्चर नहीं आएगा तो ये मोथ जो है ये पैदा नहीं होगा, क्लियर है। और इनके जो अंडे होते हैं ना, इनके अंडे, अब हम कहेंगे कहां से आते हैं, बाहर से आते हैं, नहीं, इनके अंडे ये जब एग लेआउट करते हैं तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, हल्के अंडे होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, बाहर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, कहीं दीवार पे जाके चिपक गए, उन्हें वहां पर मॉइस्चर मिल गया तो मॉइस्चर में ग्रो कर जाते हैं, ग्रो कर गए, और कोई खाने पीने की चीज मिल गई तो वहां पर और ग्रो कर गए, फिर वो अपने अंडे दे देते हैं और ऐसे बढ़ते रहते हैं, समझ में आया, हवा में होते हैं ये ऑलरेडी, तो क्या हमारी बॉडी में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, हम जब तक जिंदा है तब तक हमारे नोज के थ्रू रोज बैक्टीरिया वायरस कोई ना कोई चीज अंदर जाती है, ये एग्स वगैरह भी जाते हैं इनके, स्पोर्स वगैरह इन चीजों के, लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है उनको रोज मार डालता है, हम रोज कई बंदे मार के सोते है ना, सही है, तो अपने आप पे भरोसा रखो, वी आर पावरफुल, हमने कहा बहुत कत्ल किए हैं बस दुनिया को पता ही नहीं है तो लाइक दैट जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद यही हवा हमारी बॉडी में खुद एंटर करती है, इसके स्पोर एंटर करते हैं और इसी से वो कीड़े बन जाते हैं, हवा के अंदर उनके स्पोर होते हैं, अंदर से बॉडी को खाने लग जाते हैं, अब खाएंगे तो गैस निकलेगी, इससे बॉडी में से दुर्गंध आती है ना, बुरी स्मेल, और फिर उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, फिर कीड़ों से कुछ बाहर के और एनिमल बैक्टीरिया उस स्मेल से और अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी उसमें अपना घर बना लेते हैं, बॉडी को अच्छे से खा जाते हैं, ये प्रोसेस होता है ना, जो दिखता नहीं है, जिंदा है तो हमारे ऊपर कोई भी हमारे बॉडी को अपना घर नहीं बना सकता, क्योंकि हमारी बॉडी रोज उनसे लड़ती है, हमें पता ही नहीं चलता है ना, कभी कभी बुखार होता तो लगता है लो भाई गड़बड़ हो गई, जिंक, इसलिए जिंक की चीजें, सोना चांदी की चीजें, आजकल तो च्यवनप्राश में सोना चांदी आ रहा है ना, वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, वो यही काम करता है, क्लियर है बेटा? यस सर। नेफ्थलीन बॉल आपको समझ में आ गया होगा, क्लोथ्स में रखी जाती है, नहीं पता है तो मम्मी से पूछ लेना कि कपड़ों के अंदर वो व्हाइट कलर की बॉल्स रखी जाती हैं, कपूर के जैसी होती है, वो कपूर नहीं है, याद रख लेना, कपूर क्या होता है, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल अलग होती है, कपूर अलग होता है, कपूर भी वही सेम काम कर सकता है बट वो महंगा आता है, नेफ्थलीन बॉल सस्ती होती है, ठीक है, मम्मी वगैरह से पूछना, उनको सबको पता है, यानी हम लोगों से ज्यादा केमिस्ट्री तो हमारी मदर जानती है, सोच के देखना, है ना, और हम लोग सोचते ये हैं कि भाई हम 11th में हो गए, 12th में हो गए, हमने साइंस लिया, मम्मी को क्या पता साइंस, दे नो बेटर देन अस,
जिनको नहीं पता ना नेफ्थालीन, बोल मम्मी से पूछना वो जानते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इनमिसिबल विद, भाई पानी में घुलते नहीं है, इनमिसिबल मतलब घुलना, बट आर रेडीली मिसिबल, आसानी से घुल जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, घी में घी घुलता है लाइक डिजोल्व लाइक, ऑयल में घी घुल जाता है, घी में ऑयल घुल जाता है, ऑर्गेनिक होते हैं वो सारे, और एरोमेटिक जो है वो एरोमेटिक में घुलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। नॉन पोलर है ये एक्चुअल में, नॉन पोलर में घुलेगा, जो पोलर है पानी पोलर होता है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो पोलर चीजें ही पानी में घुलेंगी, जो चीज नॉन पोलर है, एरोमेटिक कंपाउंड ऊपर पड़ा हमने नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में घुलेगा, घी में ऑयल में है ना, वेजिटेबल ऑयल में, दे आर बर्न्ड विद सूटी स्मेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सूटी स्मेल के साथ बर्न होते हैं, सूटी फ्लेम, सूटी का मतलब क्या होता है, धुआं, हिंदी में लिखूं क्या, स्मोक, स्मोक नहीं होता, ठीक है स्मोक, तो सूटी फ्लेम होता है भाई, स्मोक, सूटी मतलब स्मोक, फ्लेम मतलब आग, तो धुएं के साथ में ये जलते हैं। अब इसका एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि बेंजीन में आग लग जाती है, वो धुएं के साथ जलती है, मुझे पता था अच्छे से, लेकिन मैंने देखा नहीं था, मैं भी आप लोगों की तरह मतलब पढ़ पढ़ के आया था, तो मैं लैब में गया, ठीक है, मैंने सोचा आज तो नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेरा बहुत मतलब ऐसे उल्टे पुलटे एक्सपेरिमेंट करने का मन करता रहता है, तो मैं करता भी रहता हूँ। तो मेरा एलए था लैब असिस्टेंट, मैं कॉलेज में, एक कॉलेज में टीच कर रहा था उस टाइम, 2015 की बात है, 8 साल, दिसंबर आज 9 साल हो गए लगभग, है ना, तो भाई तब की बात है, तो वहाँ कॉलेज में टीच कर रहा था, तो मैं फ्री बैठा था उस दिन, लेक्चर मेरा फ्री था, तो मेरे दिमाग में उठा कि मैं आज बेंजीन को आग लगा के देखूंगा, आई वांट टू सी कि वो सूटी स्मेल कैसी और सूटी फ्लेम कैसी होती है। मैंने थोड़ी सी बेंजीन, थोड़ी सी मतलब एक ढक्कन, ठीक है, और उसको आग लगा दी, पेट्रोल की तरह आग लगती है उसे, बड़े आराम से, लिक्विड होता है, पेट्रोल की तरह आग लगती है, आग तो लगी, उसमें से धुआं, वो छोटे छोटे काले काले कलर के छोटे छोटे टुकड़े से टुकड़े इतने उड़े, छोटे से उसमें इतने उड़ गए कि पूरी लैब में फैल गए, और वो हल्के भी थे बहुत, और वो हवा में भी बहुत उड़े। अब उसके बाद वो जब जल गया सारा, पूरी लैब में फैल गया। अब हम लैब में बैठे थे, व्हाइट शर्ट डाल रखी थी, जहां पर गिर रहा है हल्का सा हाथ लगा, वो पूरा ब्लैक हो जा रहा है, हम वहां से भाग गए। 2 घंटे बाद लैब में आए, फिर भी वो हवा में उड़ रहे थे, और मेरा एलए मेरे को कह रहा था, सर आप ये रहने दो यार, आप ऐसे एक्सपेरिमेंट मत किया करो, क्योंकि मैं आग वाग भी लगा देता होता था लैब में, ठीक है, कुछ मतलब प्रिक्वेशन के साथ, ऐसा नहीं, ठीक है, आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना, तो बस वही चीज है, तो वैसा कुछ करके, तो भाई बच के रहिएगा किसी ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन में, ऐसा कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है इसलिए मैं उसको समझ सकता हूँ कि क्या करना है कब करना है, प्रिक्वेशन के साथ करता था। आप लोग मेरी ये बात सुनकर गलती मत करना, मैं बोल रहा हूँ, लैब में टच भी कर दोगे किसी चीज को, वो 15 साल बाद कैंसर फैला सकती है, कार्सिनोजेनिक हो सकती है, ब्रोमीन वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड, CH2Cl2 है ना, डाइक्लोरोमिथेन, और उसके अलावा क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म तो कम है, खैर क्लोरोफॉर्म, फिर K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक है। सर ये बात आप बताते ना, हम परसों एक्सपेरिमेंट करिए। तो इनको हाथ नहीं लगाना, बेयर हैंड से हाथ नहीं लगाना, ध्यान रखना, स्पैचुला यूज कीजिए, चम्मच, केमिस्ट्री वाली चम्मच को स्पैचुला बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सूटी स्मेल के साथ बर्न होते हैं, तो बेंजीन जो सूटी स्मेल के साथ में बर्न होती है, ठीक है, अब मैंने एक्सपेरिमेंट इसका किया हुआ है। तो अगर आप लोग बेंजीन को आग लगाना चाहें, हल्की सी बेंजीन लीजिए पेट्री डिश में और उसको आग लगा सकते हैं, टीचर से इजाजत मांग के, टीचर को बताने का नहीं। उसके बाद आपकी लैब की उस दिन के लिए तो छुट्टी। सर हमें बैन तोड़ना है लैब से। अरे नहीं नहीं, टीचर को बोलिए कि मैम सर हमें आग लगा के दिखाइए बेंजीन में, हमने सुना है वो सूटी स्मेल के साथ, सूटी फ्लेम के साथ जलता है, और वो थोड़ा सा ढक्कन में लेके और टीचर से लगवाइए, खुद नहीं करने का, है ना। फिर तो सही है, फिर लैब मतलब 1 घंटे के लिए तो पक्का बंद है, उसमें इतना धुआं उड़ता है, टीचर भी भाग जाएगा, बच्चे भी भाग जाएंगे। यस सर, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, ये मैकेनिज्म भाई सबसे इंपॉर्टेंट वाला मैकेनिज्म है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जब इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ता है, बेंजीन के अंदर ऐसा होता है। तो ये जो एक स्टेप में दिखा रखा है, अब मैं इस मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा, एक स्टेप में नहीं शो करने वाला। नहीं बेटा, स्कूल की छुट्टी नहीं होने वाली यार, ये एक लैब में मतलब लैब को बंद कर दो, वो काला काला धुआं सा उड़ता रहता है काफी देर तक, बस लैब बंद कर दो, इतना काफी है
है ना, अगर आपके लैब में एग्जॉस्ट फैन हुए, एग्जॉस्ट फैन जो है वो अच्छे क्वालिटी के हुए तो उसको जल्दी ही 15-20 मिनट में साफ कर देंगे, लेकिन अगर ढीले पीले हुए तो फिर एक घंटे तो वो भी ओपन विंडोज है तो फिर तो उससे भी कुछ नहीं होता, विंडो विंडो फेल है, सब फेल है, बड़ी तगड़ी चीज बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए भाई, हम लोग 2 घंटे तक हम लोग दुखी हो गए थे, सोचो हम ही करने वाले, मेरे साथ अली बैठा था वो भी बाहर निकल गया, मैं भी बाहर निकल गया, है ना, एंजॉय द थिंग्स, है ना, हम केमिस्ट्री का एंजॉय करते हैं भाई, हम वहां पे लैब में बैठ के ना चाय पीते थे पता है, और इसमें भी थे बीकर में, बीकर को HCl से साफ करते थे, HCl से, एसिड से साफ करके, हमें कोई टीचर देखता था कहता ये पागल हो चुके हैं, HCl से साफ कर रहे हैं बर्तन और फिर उसी में चाय पी रहे हैं, कहते तुम लोग मरोगे, वी नो द प्रिक्वेशंस, वी नो द रियल आइडिया, ठीक है, इसलिए मरने वाला कोई चांस नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूँ हाथ भी मत लगाना, जब तक पता नहीं है तब तक हाथ भी लगाओगे वो कार्सिनोजेनिक होता है, ना, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, छुपके की जला रहे हो टीचर को बोल दो, खुद ही आग लगा देगा, टीचर में भी क्यूरियोसिटी होती थोड़ी सी कि चलो बेटा आपको दिखाते हैं, बाद में आपको तो चुप रहना, मेरे को क्या पता ऐसा हो जाएगा, आई डोंट नो सर, बात खत्म, हाउ वुड यू नो, है ना, क्लियर है, बाद में यही बोलो, ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा सर, किसी ने कहते हैं क्लोज्ड वेसल में रखती फिर आग लगा दी, क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड वेसल में ऑक्सीजन कहां से प्रोवाइड करोगे यार, चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आया, खैर मैं पहले ये मैकेनिज्म पर मेरा फोकस, लैब में और फिर हमें बता देना अपने एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया उतना काफी मुझे लग रहा है, अब भाई ध्यान देना आज का ये मैकेनिज्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे 4-5 स्लाइडें आएंगी, सीधी बात, सभी स्लाइडों में सेम मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, बिल्कुल सीधी बात, और ये आपको हर किसी को आना चाहिए 12th क्लास में, हर लेसन में, हर लेसन में ये मैकेनिज्म भरा हुआ है, हर लेसन के लास्ट में यही मैकेनिज्म है, आज समझ आ गया तो सब हो गया, समझ में आ गया सबको कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो अब जरा अपनी नोटबुक और पेन उठा लो और फिर बनाना शुरू करो मेरे साथ साथ, ठीक है, हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको SE भी बोलते हैं, S नीचे ई पैरों में सबस्क्रिप्ट ई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, बेंजीन के साथ स्पेशली दिखा रहा हूँ, बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ भी ऐसा होगा, जैसे मेसेटाइलिन था ना, 3 CH3 CH3 लगे हुए थे वैसा ही कुछ करके, ठीक है, तो देखिए जरा बेंजीन है आपके पास, ध्यान से इसको अभी मेरे साथ बनाना शुरू कर दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, वरना मुझे कोरियन थेरेपी करवानी आती है, सबकी करवाऊंगा साथ में, सबको अलग अलग फोन करवाऊंगा मैं घर पे, समझ में आ गया, एंड वी हैव ए बिग ऑपरेशन टीम, हमारे पास एक ऑपरेशन टीम है अवंती की, सब फोन करते हैं पीछे से, ठीक है, वो बोल दूंगा कि ये बच्चे कोरियन थेरेपी चाहते हैं, इनको चमक चाहिए चेहरे पर, ठीक है, खुद कर लो भाई, वरना हम करवा देंगे, चेहरा तो आपका चमकाना, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आप है ना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज ना हो लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को लाइक करता हो अगर उसके पास ऑर्बिटल खाली हो तो, लेकिन जनरली इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज ही होता है जनरली, ये क्लियर है सबको, यस सर। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, तो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो मैंने इसके, देखो वैसे तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड, लेकिन मुझे अटैक दिखाना है तो मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन एक बार बदल रहा हूँ, क्योंकि घूमते रहते हैं तो वरना उल्टा हो जाएगा, और उल्टा भी दिखा सकते हैं, बट आपको मैं एकदम प्रीसाइज अटैक दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग किसी भी तरह से, मतलब ये मैकेनिज्म आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आए, मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, पहले ये डबल बॉन्ड इधर था तो मुझे फिर वो ऐसे दिखाना पड़ता, थोड़ा सा घुमाना पड़ता, तो आपको थोड़ा अजीब लगता है ना, तो देखो अब क्या होगा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहां पर अटैक करेंगे, याद रखना एरो जो है वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से छोटा नजर आ रहा है आपको लेकिन वो न्यूक्लियस होता है, बहुत भारी होता है, और भारी है तो इसमें एटीट्यूड बड़ा होता है, मैं नहीं जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा, इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, है ना, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है, हर जगह चलता है, याद रख लेना, अमीरी गरीबी सब कुछ हर जगह पर, पैसा ही पैसा, सब हैवी लोग ऐसी बातें करते हैं ना,
ये नेचर में है, ठीक है। तो भाई ये ऐसा अटैक करेगा, अब ये क्या हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, तो याद रखना जरा यहाँ पर, क्लोरीन पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, NO2 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है। इसके बाद में और क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर पॉजिटिव हो सकता है, एसाइलेशन। क्लियर है बेटा? यस सर, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि CH3 पॉजिटिव, कार्बन की चेन और भी बड़ी हो सकती है पीछे, अकेला CH3 मत सोचना। तो इस तरह से ये C डबल बॉन्ड ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव लगा, ये कार्बन वाले इस पर के ऊपर पॉजिटिव है, NO2 पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, क्लोरीन पर पॉजिटिव है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बताए कि ये सब इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। और ये कितने हैं, आपको चार दिखाई दे रहे हैं, एक आधा और हम करेंगे, ठीक है, चिंता मत करना। तो चार पांच जितने भी हैं, ये चार या पांच मैकेनिज्म एक ही मैकेनिज्म में सेम तरीके से, मैं इनको ई लिख रहा हूँ। ई क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, एनओ टू हो सकता है, सीओ सी एस थ्री हो सकता है, सी एस थ्री हो सकता है। यस, इज दिस क्लियर टू एवरी वन? यस सर। तो मैं इसे ई से रिप्रेजेंट करूंगा, आप अपनी मर्जी से क्लोरीन जोड़ लो, एनओ टू जोड़ लो, आप चारों पांचों के साथ इसी मैकेनिज्म को चार से पांच बार रिपीट करोगे, ई की जगह पर दूसरी चीजें बदलनी है, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं जरा। तो भाई बेंजीन ने ये इलेक्ट्रॉन छीने, तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब करेंगे पूरा पूरा। दो बॉन्ड थे इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे एक केमिकल बॉन्ड में, तो नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं उसको, नेक्स्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखना, वो क्या है यहां पर। अब देखो ये बॉन्ड अगर जाएगा लेफ्ट राइट कहीं तो जाएगा, ई कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा। तो मान लो ई इधर जुड़ गया, यहाँ ई जुड़ गया, तो ई का पॉजिटिव चला जाएगा क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। यस और नॉट? यस सर। ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पॉजिटिव चला गया, ये नहीं रहेगा पॉजिटिव क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये अब ये जो इधर जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, पहले भी यही था, अब भी यही है, तो इस पे कोई चार्ज आएगा नहीं, तो किसका इलेक्ट्रॉन गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, ये भाई साहब पॉजिटिव हो जाएंगे। यस, क्लियर है? और बाकी के दोनों डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एक ही बॉन्ड में चेंज किया, और वो बॉन्ड टूटेगा, मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड उठा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इसने ले लिया ई ने, जिससे इसका पॉजिटिव चला गया, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है। यस, ये स्टेप सबको समझ में आ गया? यस। बेंजीन में हर कार्बन पर हाइड्रोजन भी है, पता है ना, हर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये तो सबको पता है। यस सर। C6H6 होता है एक्चुअल में, दिखाते नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन को दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन को दिखाना कोई जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ लास्ट में एक ही हाइड्रोजन को दिखाऊंगा, बाकी सबको मैं भी खा जाऊंगा, ठीक है, बार बार उसको बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म में ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अब अगर एक हाइड्रोजन है तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज को भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा अलग करके। तो यहाँ पर मैं इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, बिल्कुल हाइड्रोजन तो लग ही रहेगी, लेकिन साथ में पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है, इस बात पे किसी को डाउट है? बस एक इलेक्ट्रॉन इसका गायब हो गया, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, ठीक है, तो यूं का यूं पॉजिटिव चार्ज और बाकी के सारे हाइड्रोजन मैंने सबके साथ लगा रखे। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ भी, यहाँ भी तो हाइड्रोजन था, तो वो तो ऐसा कैसा रहेगा? यस और नॉट? यस सर। अब क्या होता है, अब ये जरा ध्यान देना कि अब क्या होता है, मैं बाकी के हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन दिखाने वाला हूँ, ये एच ई के साथ जो है, ठीक है, यही उड़ेगा, बस इसको ध्यान दे लेना। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया बेंजीन में, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये पूरा का पूरा बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, एक्चुअल में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, जिससे इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यही रहने वाला है इसी कार्बन के पास बाद में भी, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। तो इसको भी बनाइएगा, देख लो बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे बना रहा हूं, और अगर आप लोग मेरे साथ बना रहे हैं और समझ भी रहे हैं तो बहुत आसान है आपके लिए, और ये आसान वाला मैकेनिज्म है, ठीक है, मैंने रेजोनेंस सिखाया था, याद है, जीओसी में। यस सर। यस, ये वही रेजोनेंस है, ये वही रेजोनेंस है और कुछ भी नहीं है, यहाँ ई लगा हुआ है, यहाँ एच लगा हुआ है, बाकी के एच मैं नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पॉजिटिव था वो चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया,
तो यहां पर बनेगा पॉजिटिव। यस ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां था जो यहां से यहां आ गया, ठीक है ना बेटा? तो दो बॉन्ड अभी भी हैं, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, वही प्रोसेस फिर से। और ये सारे जो सारे स्टेप हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, याद रख लेना, ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल, सब के सब रिवर्सिबल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब जरा, सबको समझ में आ रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है, छोटा सा चेंज करवा रहा हूँ, बाकी सारा डायग्राम सेम टू सेम बना रहा हूँ। तो ये अगर इधर जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये यही रहने वाला है, तो यहाँ एक्चुअल में नया बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला गया था, यहाँ पॉजिटिव आएगा। यस ये क्लियर है सबको? यस सर। ऊपर वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, यहाँ पर ई लगा हुआ है, मैंने ई को ऐसा कैसा लगाया, एच लगा हुआ है, एच को ऐसा कैसा लगाया। अब आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप, ध्यान से देख लेना आप इसको। अब क्या होगा, ये ई वाला बॉन्ड वापस यहाँ आ सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या एच वाला आ जाए। मुझे पता है मेरे पास ई बहुत है, इलेक्ट्रोफाइल बहुत है, बार बार अटैक करेगा, ई भी इधर आ सकता था वापस, और ये सेम पहले वाली बेंजीन बन जाती, लेकिन ई बार बार आने की बजाय अगर एक बार भी मुझे एच मिल गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एच के साथ काम करना चाहूंगा, ठीक है। तो एच अब यहाँ से अलग होने वाला है, बेंजीन से एच को करेंगे अलग, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो यहां पर हमारा बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सेम टू सेम है। अब हमने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव था ना, ये दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव क्या होता है भाई, हाइड्रोजन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, यहां आ गया, इसका पॉजिटिव चला गया, ये इलेक्ट्रॉन तो वही है, हाइड्रोजन वाला कार्बन के पास था, एक एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रोफाइल ऐसा कैसा जुड़ा रह गया, प्लस में एच पॉजिटिव आयन फ्री हो गया। यस बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा कोई क्या बोल रहा है कुछ? लास्ट से सेकंड स्टेप से समझा दो। कौन सा कौन सा? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें इसमें क्या हुआ, मतलब इससे ये वाला कैसे बना ना, तो होता क्या है, हमने यहां तक तो इलेक्ट्रॉन घुमाए, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस जगह पर, जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल को वापस छीन लो, क्योंकि ये वापस भी घूम सकता है, इधर भी आ सकता है, फिर ये इधर आ सकता है, वापस यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वापस उल्टा सारा रिसर्च घूमेगा, फिर से वही आ जाएगा। लेकिन अब जरा देखिएगा, इसकी बजाय मैं क्या करता हूं कि मैं इस हाइड्रोजन से, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के, एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, मैं हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ छीन के यहाँ ले आऊं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये कार्बन वाला यहीं रहा, इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया, हाइड्रोजन पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल ऐसा कैसा जुड़ा रह जाएगा, तो ये आपके सामने ये बन गया हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज। यस क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोसेस होती है, ठीक है, तो यहाँ वही प्रोसेस हो रही है, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, बस इतना ही था ये मैकेनिज्म। अब देखो एच पॉजिटिव आयन अलग हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन जुड़ सकता है, अगर मैं अब ये बेंजीन है ना, अभी पूरी की पूरी बेंजीन, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ बेंजीन के साथ में, मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं बेंजीन के साथ यहाँ क्लोरीन लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्लोरीन अगर इलेक्ट्रोफाइल होता, NO2 अगर इलेक्ट्रोफाइल होता, NO2 लगा सकता हूँ, अगर C डबल बॉन्ड O CH3 होता, पॉजिटिव चार्ज था ना इस C डबल बॉन्ड पर, तो इसको लगा सकता हूँ यहाँ पे, अगर CH3 होता अकेला पॉजिटिव चार्ज, तो इसको लगा सकता हूँ, तो बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ना है, COCH3 जोड़ना है, NO2 जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ना है, तो सबको पॉजिटिव चार्ज, आपको सबको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, बस इन पर पॉजिटिव चार्ज ले आइए। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि मैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाऊं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन पर पॉजिटिव, NO2 पर पॉजिटिव, COCH3 पर पॉजिटिव, CH3 पर पॉजिटिव कैसे लेके आऊं, ये एक छोटा सा स्टेप है, इसके बाद में बाकी सारी प्रोसेस यही होने वाली है। तो एक दो तीन चार पांच, पांच बेंजीन के डायग्राम बने हैं, ठीक है, पांचों में इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से करना है, पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब करना है, बस, और हो गया, कर लिया सबने, समझ आ गया सबको, ध्यान दे लेना इस पे, पंद्रह मिनट लगाए इस छोटी सी चीज पे, तो ये आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं, सारे मैकेनिज्म इसके ऊपर बेस्ड है, ये वाला देखो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई,
ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल ना आए तो भाड़ में गया, यहाँ से एच लगता है, सीधी सी बात है, यहाँ वाला एच जो है यहाँ डबल बॉन्ड दोबारा बना देता है, वो यहाँ नहीं बनाता एक्चुअल में, घूम फिर के इधर आएगा, इधर से हाइड्रोजन इधर दे देगा, वो सर्कल हम कर चुके हैं ठीक है। इसको अरेनियम आयन बोलते हैं, अरेनियम आयन बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, याद रख लेना नाम ठीक है, और वैलेंट इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये, वैलेंट इंटरमीडिएट नाम है इसका, वैलेंट इंटरमीडिएट ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये, समझ में आ गया बेटा ठीक है। यस सर ठीक है। तो भाई यहाँ न्यूक्लियोफाइल देकर दिया इन्होंने, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को लाइक करने वाला पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जोड़ा नहीं ठीक है, और जो क्या कर रखा है इन्होंने, ये न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, डबल बॉन्ड को हटा दिया, क्या गड़बड़ करी है इन्होंने, देखते हैं इसको भी ठीक है। ये बन गया एरोमेटिक, अगर मान लो ई क्या करता है एच से, एच पॉजिटिव आयन यहाँ से अलग हो जाएगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ नहीं जुड़ा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है फिलहाल के लिए, मैं इसको काट रहा हूँ ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये सीधा क्या हुआ ई जुड़ गया, तो एरोमेटिक ही रहेगा, बेंजीन रहेगी, तीन बॉन्ड रहेंगे, तीन डबल बॉन्ड है ना। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए, ये रहा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया यस सर, तो क्या होगा सर, नीचे वाले दो डबल बॉन्ड ही रह जाएंगे, बेंजीन में भाई दो ही डबल बॉन्ड रह गए और कुछ रहा ही नहीं, तीसरा डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये नॉन एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक नहीं है ये, हकल रूल लगा के देखो, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर है बेटा, तो ये नॉन एरोमेटिक बन गया क्योंकि बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड चाहिए, तो यानी अगर एच को हटाते हो, एच को, बेंजीन वाले एच को, तो एरोमेटिक ही बनेगा, ई जुड़ गया सीधा, लेकिन अगर कोई दूसरा नेगेटिव आयन, क्योंकि बेंजीन पर पॉजिटिव बन चुका, तो कोई नेगेटिव आयन भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो अगर कोई नेगेटिव आयन का अटैक करवाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ठीक है, क्लियर है सबको, यस सर ठीक है। तो मैं इसको जरा थोड़ा अच्छे तरीके से रब कर देते हैं इसको, है ना, येलो वाले पेन से रब करते हैं ताकि इसको दिखाई ना दे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा बेटा, एच जा रहा है, ये बाय मिस्टेक है समझ लो ठीक है भाई। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया, नीचे वाला स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल को जोड़ रहे हैं तो ऐसा होता है, अगर कुछ नहीं जोड़ रहे तो फिर यही बनेगा ठीक है, हमने इसका मैकेनिज्म यहाँ कर लिया, ये मैकेनिज्म ध्यान से याद रखना, कुछ भी करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू शुड हैव टू लर्न दिस। नेक्स्ट देखिए नोट, अब जरा नोट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को EWG बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रिलीजिंग के लिए EDG भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग को ERG भी बोलते हैं ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्लियर है। अब ये होता क्या, रेट ऑफ टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल जो है वो जो अटैक करने वाला वो कैसा है ठीक है। यहाँ देखिए पॉजिटिव एम लगा रहा है, पॉजिटिव एच पॉजिटिव आई, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव या आई, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे ना, तो पॉजिटिव आई लगता है, पॉजिटिव एम लगता है ना, या अकेला एच लगाओ तब भी ये पॉजिटिव एम ही माना जाता है, ये सबसे पहले रिएक्शन करते हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐसे ग्रुप नॉर्मल बेंजीन, और फिर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो ले रहे हैं नेगेटिव, ये हाइपर कंजुगेशन है, एच हाइड्रोजन नहीं है सॉरी, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, क्लियर है सर एक बार रिपीट करो। यस सर बताता हूँ बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है, एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, और आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है, या फिर हाइपर कंजुगेशन, अगर ये बेंजीन इधर इसके साथ बॉन्ड बना रहा और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो तब भी हाइपर कंजुगेशन हो रही है तब भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन से छीने जा रहे हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है, जस्ट खींचता है, एक्सेप्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड नहीं बनाया यहाँ पे, लेकिन अपनी तरफ जोर से खींच के रखेगा, जैसे मैग्नेट खींच के रखती है, मैग्नेट जैसे खींच के रखती है वैसे ही खींच के रखेगा। तो इसलिए फ्लोरीन जैसा अगर कोई ग्रुप बैठा हो तो वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जो छीन रहा है वो नेगेटिव होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, डोनेट कर रहा है, चाहे वो रेजोनेंस से करे, हाइपर कंजुगेशन से करे या इंडक्टिव इफेक्ट से, जो डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव मेसोमेरिक पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन लगाएगा। मतलब सिंपल याद करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो उसकी न्यूक्लियोफिलिटी सबसे ज्यादा होती है और वो सबसे पहले रिएक्शन करेगा, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो लेट रिएक्शन करेगा और बेंजीन इंटरमीडिएट में आती है, इंटरमीडिएट। समझ में आया बेटा? यस सर। सर यहाँ पे ESR क्या है? ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने पीछे किया ना, ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, R का मतलब रिएक्शन, ESR क्लियर है। वो लिख रखा उन्होंने ESR, आप SER भी लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, वो कई बुक्स में SE लिखा होता है अकेला, ठीक है, नथिंग स्पेशल, यही तो मैकेनिज्म हमने किया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ESR के मैकेनिज्म का न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसका ऑर्डर दिखा रखा है। अब बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब एक्टिवेटिंग और डी एक्टिवेटिंग ग्रुप की कहानी पढ़ते हैं। देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, ये भी बेंजीन का मैकेनिज्म, मैं नेक्स्ट पेज पर ही करवाता हूँ, ये भी बेंजीन का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। बेंजीन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ बैठी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ बैठी है, उसके हिसाब से एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर क्या, कौन सा ग्रुप लगाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सी डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर कुछ भी एच लगा दो, एल्डिहाइड बना दो इसे। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ एच में क्या होता है, जरा ध्यान से देख लेना भाई, इसमें क्या होता है पता है, देखिए अब जरा, ये डबल बॉन्ड हो, जब भी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन एक बॉन्ड छीन लेगी, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव तो कार्बन इससे छीनेगा, क्लियर है, बेंजीन रिंग से, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी, वही सर्कल सेम टू सेम चलेगा, कौन सा, जो अभी अभी हमने किया है, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने एक बॉन्ड अपना छीन लिया, यहाँ एच लगा हुआ है, सेम टू सेम रहेगा। अब देखो ये बॉन्ड छीना तो ये इलेक्ट्रॉन तो यही है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया ना यहाँ से, इसे इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही है, यहाँ से यहाँ आ गया, इस कार्बन का तो यही है, इसका कार्बन का यहाँ गया तो इस कार्बन का आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये समझ में आया सबको? यस सर। इस कार्बन पर पॉजिटिव आया, ये जीओसी है, जीओसी में हमने ये मैकेनिज्म किए थे दोनों के दोनों, अगर याद हो किसी को तो, फिर भी मैं यहाँ दोबारा से डिटेल में उसी पेज से करवा रहा हूँ जहाँ वहां करवाए थे। जैसे ये बॉन्ड अब इधर जाएगा, अब ये तो हमने अभी अभी किया, अगर आपने लिख के देखा था तो देखो इसमें सीधा सा है, एक रोड पकड़ो और रोड को घुमा दो यहाँ, तो जिस जगह से रोड खाली हुई वहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बाकी के बॉन्ड सेम टू सेम रहेंगे, अभी बाकी सबको सेम टू सेम कर दो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ना, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड इधर खिसका दो, पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसमें बॉन्ड शिफ्ट करना तो यह आसान काम है, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा टेढ़ा काम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, फिर बॉन्ड शिफ्ट होता है उसमें, ये आ गया और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर एच लगा हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये डबल बॉन्ड वापिस, क्योंकि इसी ने डबल बॉन्ड लिया था कार्बन के, ही वापिस आएगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापिस डोनेट कर देगा इसे, क्लियर है, यानी घूम फिर के पोजीशन तो वही लेके आनी हमें, ठीक है, जो शुरू में थी सेम पोजीशन विल बी देयर, डबल बॉन्ड नहीं, अब सिंगल हो जाएगा, सिंगल डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लग गया, ये यहाँ आ गया। अब देखिए भाई यहाँ पर फिर से मैं यहाँ बाहर भी दिखा सकता हूँ इस डबल बॉन्ड को, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इधर वाले का और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, इसकी बजाय मैं इसे अंदर दिखा दूं, बात एक ही है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये बन गया वापस। तो भाई देखो अब जरा ध्यान से, हमने मैकेनिज्म तो ऐसे ही किया, बस रेजोनेंस दिखाया, मैकेनिज्म क्या घंटा किया इसमें, कुछ नहीं किया। अब देखिए जरा ध्यान से देखना, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर।
जो ग्रुप लगा है ग्रुप के अगेंस्ट, पहला और लास्ट स्ट्रक्चर तो सेम है, बीच में तीन ही है जो अलग है, जो ग्रुप लगा है ग्रुप के अगेंस्ट, सी एच ओ ग्रुप जो लगा हुआ है उसके अगेंस्ट ऑर्थो पोजीशन पर दो बार पॉजिटिव चार्ज आता है, एक ये वाली ऑर्थो है एक ये वाली ऑर्थो है, ठीक है। और फिर पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजिशन पर भी आता है, क्या कभी मेटा पर पॉजिटिव चार्ज आया किसी भी स्टेज में? नो सर, नहीं आया। तो हम इसको कहेंगे ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन इसे दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या वो ऑर्थो पर अटैक करना चाहेगा, उसमें पॉजिटिव मिलेगा उसे, इधर इस ऑर्थो पर अटैक करना चाहेगा इधर भी पॉजिटिव मिलेगा, क्या वो पैरा पर अटैक करना चाहेगा इधर भी पॉजिटिव मिलेगा। अरे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पर अटैक क्यों करेगा, नहीं करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। भगत जनो सुन रहे हो सारे? यस सर, यस सर। किसी किसी को नींद भी आ रही होगी मेरे को लग रहा है सुन के, ना सर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये पूरी प्लस टू में ट्वेल्थ क्लास में भरा पड़ा है पूरा, हर जगह पर ये मैकेनिज्म, तो बच्चों का खेल होना चाहिए कि हाँ ये आता है, इसको देखते ही समझ आया हाँ ठीक है हो गया, ये ऑर्गेनिक का कोर है, बेसिक्स है। तो देखो होता क्या है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज क्यों अटैक करेगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहेगा, तो उसे कहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मेटा पर मिल सकते हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, रेजोनेटिक सर्कल, और उस इलेक्ट्रॉन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग से क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया गया तो बेंजीन रिंग तीन जगह पर पॉजिटिव चार्ज दिखाती है, दो ऑर्थो पोजिशन पर और एक पैरा पोजिशन पर, मेटा पोजिशन पर वो नहीं दिखाती पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेंजीन से उन्हें मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि उसको बाकी जगह तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, है ना, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, तो मेटा पर पैरा पर और ऑर्थो पर अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ मेटा पर अटैक करना चाहेगा, तो इस वजह से ऐसा होगा। तो मेटा डायरेक्टिंग एज एज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन हैव पॉजिटिव चार्ज, उन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होता है हमें पता है, यानी ई पॉजिटिव विल अटैक ऑन मेटा पोजिशन। यस, क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ये है उसका रीजन कि मेटा डायरेक्टिंग, तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्यों होते हैं वो अब आपको इसके रेजोनेंस से समझ में आ गया होगा, अब इसको याद भी रख लेना ये सारी कहानी क्या है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अब साथ में याद रखना कि इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। मेटा डायरेक्शन मतलब क्या, क्यों डीएक्टिवेट, क्योंकि उसने ऑर्थो पर दोनों ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि पहले बेंजीन रिंग में नहीं था ना पैरा पर था, तो इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या कर दिया मेटा डायरेक्टिंग ने, डीएक्टिवेट कर दिया। तो बचा क्या, सिर्फ मेटा बचा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेट हो गई इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को ही यहां से मेंशन कर देता हूं मैं,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? इसी ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर देता है, वो मेटा को एक्टिवेट नहीं कर रहा। मेटा एक्टिवेट थोड़ा हो, मेटा तो वैसे की वैसी है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑर्थो पैरा पर तो पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो मेटा पर ही जाएगा, तो मेटा को उसने एक्टिवेट नहीं किया बल्कि ऑर्थो पैरा को डीएक्टिवेट कर दिया, इस वजह से उसे मेटा पर जाना पड़ा। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? यस सर। ठीक है, अब एक और सुन लो, अब नेक्स्ट करते हैं, यानी इसका उल्टा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहां मैं लगा रहा हूँ ऑक्सीजन को और यहाँ लगा रहा हूँ एच को, ओ एच यानी फिनोल। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल। अब ये अपना एक लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे सकता है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग को एक लोन पेयर मिल गया तो देखो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, बट यहाँ नहीं आता। अब ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, कार्बन पे नेगेटिव कहाँ आता है? ये पूरा बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों उछल कर यहाँ आ जाते हैं उसी टाइम, कम से कम दो एरो एक साथ घूमेंगे इसमें, उसमें और इसमें इतना सा फर्क है, और इसको ध्यान से याद करना आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है, क्योंकि ये अगर समझ नहीं आया तो फिर प्लस टू में ट्वेल्थ क्लास में आपको दिक्कत आएगी ऑर्गेनिक समझते टाइम, ध्यान रख लेना। तो यहां बन गया डबल बॉन्ड, समझ में आया? ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कार्बन को, इस कार्बन पर एक आया, लेकिन इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया ना, तो यहां पर और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही है और ये वाला इधर चला गया, तो दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो एक ही आएगा, ये एक तो इसका खुद का था। यस सर। तो नेगेटिव चार्ज आ गया बेंजीन रिंग पर, अब ध्यान दे लेना नेगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा उसको फॉलो करेंगे हम, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी मत देखना, पहले बना लो ज्यादा बेटर है। तो अब दूसरा देखो, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, अब ये यहाँ आना चाहेगा, इस जगह पर डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ ये इस जगह पर एक और बॉन्ड पहले से बैठा है, तो अब ये बॉन्ड इस कॉर्नर पर आ जाएगा, कॉर्नर पर आता है वो, बस इतना डिफरेंस है उसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। और यहाँ पर एच भी लगेगा भाई, ये एच लगा हुआ, एच बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा, अगर कोई चीज मुझसे मिस हो जाए, ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर ओमन कॉमन सेंस, ठीक है, कहीं आप मेरी गलतियां निकालने लग जाओगे, सर ने तो वैलेंसी कम कर दी, है ना, अच्छी बात है मेरी गलतियां निकालो, लेकिन अपनी भावनाओं को जागृत रखना कि आपको फायदा हो रहा है मेरी गलती निकालने से, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गलती निकाल के छोड़ देते हो, उसे याद नहीं कर रहे, तो फिर वो मेरी गलती तो मैं सुधार लूंगा, आप वाली कभी नहीं सुधरेगी, समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. अब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और इस तरह से यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से अटैक करेगा, इस यहाँ जाएगा, वो यहाँ बॉन्ड बना लेगा और फिर इस बॉन्ड को भी, यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस बॉन्ड को इस कॉर्नर पे ला देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, आप लोग बना रहे हो क्या? कितने बच्चे मेरे साथ बना रहे हैं इसको? ठीक है, चलो दो चार बच्चे हैं हमारे पास, 25 हैं, 25 बच्चों में से दो चार बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो सो गए होंगे, है ना? नो सर, वो क्लास चला के और सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। और उसके बाद में मैं जब मान लो कि मैं आप लोगों को बोलूँ ना कि ठीक है बेटा अब आ जाओ, लेक्चर खत्म करते हैं, आप लोग लीव कर दो क्लास, तो कुछ बच्चे फिर भी बैठे रहते हैं। ये सर, मैंने सर ऐसा हुआ था सर मेरे साथ एक बार। एक्चुअली सर मैंने लीव पे क्लिक किया बट हुआ नहीं, फिर मैंने एक घंटे बाद देखा एक बच्चा फिर भी बैठा हुआ था। मुझे पता है, तो रिकॉर्डिंग अगर मैं बंद ना करूं तो सारा दिन चलती रहेगी। यस सर। बच्चे ना लगा के सो जाते हैं। मुझे पता है ये सब, इसलिए कह रहा हूँ जागते रहो बच्चों, मेरे साथ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला वो पार्ट चल रहा अभी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर पार्ट के लिए, आपको पता है ना कि मैं ये नहीं लिखता हूँ कि जनरल रिएक्शन है याद करनी है, ठीक है, दैट्स इनफ, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद ही आप बाकी की चीजें कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना बेटा? ठीक है, यू कैन पुट योर हैंड डाउन, अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करते हैं, बाकी सब मैं बिल्कुल सेम लगा रहा हूँ, दो लोन पेयर की जगह एक लोन पेयर लग रहा है, और यहाँ पर आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पूरा पूरा इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया माइनस, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, इसका माइनस चला जाएगा, ये सेम टू सेम रहेगा, और इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन में वापस क्या होता है, ये देखिए, यहाँ से फिर से ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आया,
तो इस कार्बन का बॉन्ड ये वाला डबल बॉन्ड अब वापस चला जाएगा, मतलब ऑक्सीजन अब अपना बॉन्ड वापस ले जाएगा। यस क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो ये मैं जनरल दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा कि ऐसा ही मिलेगा, वो यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगा के मतलब कुछ इधर वाला चीज सीन बदल देगा और फिर नीचे वाला सीन तो सेम चलेगा, हर एक मैकेनिज्म में नीचे वाला सीन सबको सेम मिलने वाला, लेकिन इधर वाला कुछ वो सीन बदल देगा। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ ऐसा कैसा रहेगा, अब ये डबल बॉन्ड वापस इधर आ गया बेंजीन पे, ऑक्सीजन पर फिर से वही दो लोन पेयर आ गए। ठीक है, हाइड्रोजन पर फिर से मतलब फिनोल फिर से बन गया, देखो वही चीज बन गई सेम टू सेम। लेकिन इसके बनने में अब आप बताइए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, एक नेगेटिव ये रहा ऑर्थो पोजीशन पर, एक नेगेटिव ये रहा पैरा पर, एक नेगेटिव ये रहा फिर से ऑर्थो पर, है ना। मेटा पोजीशन पर नेगेटिव है कहीं पे? नहीं है। No, तो मेटा पोजीशन पहले जैसे पीछे वाले केस में थी, जरा ध्यान देना बेटा, पीछे वाले केस में मेटा पोजीशन देखो कहाँ है, सेम थी, यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं था मेटा पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं था लेकिन ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव था। इस केस में क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव आ गया ना, ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव, है ना, तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव आ गया, मेटा पोजीशन अब भी नॉर्मल है। तो हम इस ग्रुप को, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं या ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग, दोनों बोल सकते हैं। क्यों, अब मैं बताऊंगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग। वो क्या था, वो था मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, है ना। कौन सी, मेटा डायरेक्टिंग बोल सकते हैं, सॉरी, और क्या था वो, ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग, इसको ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। ये लिखा नहीं मैंने, ऑर्थो पैरा, इनको डीएक्टिवेट करता है। क्यों, इस पे पॉजिटिव चार्ज ले आया। अब इलेक्ट्रोफाइल तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है, वो इन पे तो अटैक नहीं करेगा, तो ये इसने डीएक्टिवेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर दिया, इसलिए अटैक कहां कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास चॉइस ही नहीं, वो मेटा पे करेगा। ठीक है, अब इस वाले में क्या, रेजोनेंस याद होना चाहिए, उसके बाद नीचे वाली कंडीशन समझ में आती है। इस वाले ने क्या किया, ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज ले आया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा भाई। अब जरा देखो, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव विल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा, क्योंकि उसको ऑर्थो और पैरा पर ही क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो वहीं अटैक करेगा, वो मेटा पर क्यों करेगा, जबकि वो न्यूट्रल है मेटा, तो अभी मेटा पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसने क्या किया, ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट कर दिया, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो ऑर्थो और पैरा को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर उसे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, मेटा पर उसे नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा, हालांकि इलेक्ट्रॉन वहां से भी छीन सकता है, बट जहां नेगेटिव मिल रहा है वहां से आसानी से मिलेंगे, इसलिए ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा है तो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कह लो, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग कह लो, किसने एक्टिवेट कर दिया, और पीछे वाला क्या कर रहा था, ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर रहा था। तो याद रखना, मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप कोई नहीं होता, मेटा को कोई एक्टिवेट नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना एक्सेप्टिंग, मेटा एक्टिवेट नहीं होता कभी भी, मेटा नॉर्मल रहता है। अगर ऑर्थो और पैरा डीएक्टिवेट हो गई, उनपे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो भाई ऑर्थो और पैरा पर, उस ग्रुप के अगेंस्ट ऑर्थो और पैरा पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो फिर मेटा पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा जैसा कि ये है, तो इसका सर्कल हमने देखा, तो ये याद होना चाहिए, सर्कल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, सपने में आधी रात को उठा के पूछूं कि बताओ ये क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो
तो अपनी कोरियन थेरेपी कर लेना, ठीक है, अच्छे से ब्यूटी भी सुधर जाएगी, है ना। तो ये समझ में आ गया भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना, ये सारी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अब हम बात करें एक्टिवेटिंग ग्रुप की, तो अब आपको समझ में आ गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देख लो जरा, ओ नेगेटिव हो सकता है, ओ एच हो सकता है, एनएच टू हो सकता है, एनएच टू के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, बेंजीन इनको दे देता है, ठीक है। एनएच सी सीओ सी एच थ्री, तो ये देखो इसके पास भी लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है बेंजीन को, ये वैलेंसी दिखा रखी है इधर, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और इधर CH3 के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो देखो भाई ये CH3 भी अकेला CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और अगर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है दूसरे बेंजीन को, ये दूसरे बेंजीन के साथ जुड़ेगी। ये नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, जब आप रेजोनेंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, क्लियर है ना बेटा। हाँ ताजगी आ जाएगी रात को, आधी रात को उठ के जब कान लाल होंगे ना, ताजगी तो बिल्कुल आएगी, है ना, ताजा ताजा हवा सू सू करते हुए कानों से सुनाई देगी। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप दिखा रखा है, एक एक एग्जांपल और विद रेजोनेंस दिखा रखा है, तो रेजोनेंस आपको आना चाहिए। अब बात आती है ये सारे के सारे क्या है, ये ग्रुप है ये, और या तो यहाँ जुड़ेगा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप है ये, सोचो तो क्या करेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे, दोनों ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और एक पैरा पे भी जुड़ सकता है, मतलब तीनों जगह जुड़ सकता है, लेकिन जनरली एक ही जगह जुड़ना पसंद करता है वो, ठीक है। तो या तो यहाँ जुड़ेगा या इधर जोड़ दो, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है, दोनों ऑर्थो हैं, या फिर यहाँ, तो ये काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं उसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, ये ऑर्थो या पैरा पर, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये वाला ग्रुप, समझ में आ गया ये। Yes, sir. अगर कोई ग्रुप है बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और फिर मैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाऊँ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वही ये डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा यहाँ से, और फिर डबल बॉन्ड का सर्कल घूमेगा सारा का सारा, तो वो उसे या तो यहाँ जोड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को या यहाँ जोड़ेगा। अगर सिर्फ बेंजीन हो तो सिर्फ बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, एक फर्स्ट पोजीशन, सारी फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि ये तो घूम सकता है ना इलेक्ट्रॉन, बेंजीन को भी घुमा सकते हो, सारी फर्स्ट पोजीशन है। लेकिन अगर कोई ग्रुप बैठा हो तब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ता है, तब हम बेंजीन का रेजोनेटिक सर्कल के हिसाब से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थो या पैरा पर, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा पर, क्लियर है बेटा। यस सर। अब देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी वही डीएक्टिवेटिंग हम पीछे कर चुके हैं इसको, है ना, तो अब देखिए डीएक्टिवेटिंग क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन से, बेंजीन से खींचेगा तो ये जो है ये लेस रिएक्टिव होगा, बेंजीन इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, पहले तो ये रिएक्टिविटी दिखा रखी है, ठीक है, वो कोई खास मायने नहीं रखती, वो आपको अपने आप इन डिफॉल्ट में समझ में आ जाएगी। बस ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O होता है, ऑक्सीजन इधर जाएगा, कार्बन पॉजिटिव बनेगा, बेंजीन रिंग से छीनेगा, ठीक है, जैसा हमने दिखाया था LDHD, ये रहा LDHD ग्रुप, CCl3 तीन क्लोरीन लगे हैं कार्बन के साथ, ये बेंजीन है, इसके साथ में तीन क्लोरीन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, सारे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। NH3 पॉजिटिव, NH2 जो होता है उसके पास लोन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन ये लोन पेयर अगर कोई H पॉजिटिव आयन आ गया तो इसको देना पड़ जाएगा इसे, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, NH3 बन जाएगा। अब ये NH3 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, छीनेगा तो क्या करेगा, छीनेगा तो ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, तो मेटा पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो वो मेटा पर जुड़ेगा, या तो इधर या इधर। यस, क्लियर है बेटा। यस सर। ये लंबी चौड़ी कहानी सबको समझ में आ गई या नहीं आई, इसमें तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, तीनों आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सिंपली एरो में ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये मेटा पोजिशन, मेटा डायरेक्टिंग होता है, बस जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन इसका पीछे का रेजोनेंस आना चाहिए। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है, ठीक है भाई। हाँ सर। बाकी के भगत, ठीक है, तो ये तीनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे सबको क्या, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। yes, इसका एक्सेप्शन दिखाऊंगा और खत्म, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस लेसन को पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल वाला थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसीलिए इसके ऊपर हमें टाइम तो लगाना था।
और ये तीनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तीन बार बनाओ, चार बार बनाओ, या 50 बार बनाओ, या मत बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद होना चाहिए। सीधी और साफ चीज समझ में आ रही है मेरी बात, मुझे लर्न चाहिए। अगर आप कल आके बोलो कि सर हमने चार बार बनाया लेकिन हमसे हमें याद नहीं हुआ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मत बनाओ, बट याद कर लो। चार की जगह 40 बार बना लेना। अगर मेरे से ओपिनियन ले रहे हो तो 50 बार बना के देखिए, अगर फिर भी याद ना हो तो नोटबुक की स्निप खींच के भेज देना, पेज नंबर लिखकर कि 50 बार सर हमने बनाया और अभी तक हमें याद नहीं हुआ ये तीनों स्ट्रक्चर, 50-50 बार ईच, ठीक है? गारंटी देता हूँ याद हो जाएंगे, है ना, पक्का हो जाएंगे। इसका मतलब हम करना नहीं चाहते, मुश्किल चीज को करने में टाइम तो लगता है, ठीक है? आगे देखते हैं, स्लाइड को पूरा करेंगे। एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन, हैलोजन आर वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो ये डीएक्टिवेटिंग होते, थोड़ा सा तो ये डीएक्टिवेट कर देते हैं, डीएक्टिवेट करेंगे तो भाई मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं हैलोजन तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देते हैं। हैलोजन है भाई, एक्स है, क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। समझ में आया? हालांकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन छीनता भी है, बेंजीन से थोड़ा सा छीन लेता, फिर अपना ही लोन पे डोनेट कर देता है ना, तो इस तरह से दोनों काम। तो हैलोजन ऐसा करते हैं, हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, याद रख लेना, क्योंकि वो लोन पे डोनेट कर सकते हैं यहाँ पर इजिली। रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट बट ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है क्लोरीन, तो कितना रिएक्टिव है बेंजीन रिंग इसकी वजह से, तो इलेक्ट्रॉन छीनने वाले इफेक्ट को देखते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा ये देख रहे हो तो मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस इफेक्ट बताएगा, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, इसलिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है तो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से ऑर्थो पैरा पर जुड़ रहा है, बट रिएक्टिविटी चेक कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी दोनों काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी डोनेटिंग भी, बट इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो डोनेटिंग वाला काम ज्यादा रेफर्ड है, और रिएक्टिविटी देखनी है तो इंडक्टिव इफेक्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न है, ये एक्सेप्शन की तरह है, ठीक है? अब रेट टुवर्ड जो है बेंजीन का ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ठीक है? जहां हैलोजन लगा हुआ है ये रेट की बात हो रही है, और अगर अटैक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देख रहे हैं तो वो ऑर्थो और पैरा पर हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। क्लियर है बेटा सबको? अब हैलोजन रिएक्शन, हैलोजिनेशन वगैरह ये जितने भी अब आगे जो एग्जांपल आएंगे ना, ये समझ लेना मैंने करवा दिए, ये सब हो चुके हैं, इनका सेम मैकेनिज्म है जो पीछे है, जो मैंने समझाया है, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर द टू डेज लेक्चर, आज के लिए इतना है, और जो आगे मैकेनिज्म आ रहे हैं वो सब हमने कर लिए। इलेक्ट्रोफाइल हैं सारे के सारे, कहां जुड़ेगा, कैसे मैकेनिज्म होगा, कैसे घूमेगा सर्कल, वो सब अगर कल आपको नहीं याद हुआ आज वाला लेक्चर, तो कल वाला लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, मैं साफ बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। याद हो जाएंगे, जरूर बना के देखना, जिसने पीछे कुछ करा नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर आने चाहिए भाई। सर पीपीटी शेयर कर देना। हाँ बेटा मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए।